प्लेयर वार्म अप करते हुए जो भी है कृपया उनके पक्ष से उन खिलाड़ियों के पक्ष से जो उनके गांव के ग्राउंड के साथी आए हैं कृपया वो तो तालियां बजाते रहे। और ये पीछे से सौरभ सुरभि के टीम वार्म अप करती हुई गोटी के चारों किनारा वार्म अप कर रही है और उधर से तुरंत कराएगा मैच स्टार्ट। अभी तक रेफरी और ये वार्म अप खत्म, मैच प्रारंभ किया जाएगा। और बता दिया जाए कि मैच का रूल वही है जो 40 मिनट चलेगी, फर्स्ट हाफ 20, सेकेंड हाफ 20। मैं बता दूं कि जो टीम यह मैच जीतेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। सभी मैच नॉकआउट सिस्टम से खेले जा रहे हैं। जो टीम जहां पर लॉस की वो वहीं से पवेलियन यानी कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। आप लोग कृपया फॉलो करें। मैं बता दूं कैप्टन कमिटी को आप लोग रेफरी को फॉलो करें और वो जो रूल है कैप्टन आप रेफरी आपको पहले बता चुके हैं तो आप उसको फॉलो करें। मेरे ख्याल से जो भी रेडर होंगे उन्हें देखिए आप भाई धैर्य लो जो भी ग्रीन लाइन टच करना नेसेसरी है जो भी प्लेयर होंगे और रेड लाइन पे बोनस होगी। स्कोर बोर्ड और रेफरी भी आप लोग बता में ज्यादा अच्छा होना चाहिए। स्कोर बोर्ड और अच्छा होना चाहिए और इसी के साथ दो पॉइंट मिला खरौनी को गौरापुर भी। बस 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 अभी बताएंगे रेफरी क्या निर्णय आता है। सुपर पूर्वी के कैप्टन द्वारा सुपर हेट यानी कि करौली के तीन प्लेयर पर। अरे देखिए क्या और ये क्या हुआ निर्णय सुपर है खरौनी ने यानी कि इसने अपना बदला वापस कर लिया। ज्यादा समय नहीं लगा इसी के साथ अंक में बढ़ोतरी होते हुए 5-3 का खेल चल रहा है अभी। और रेफरी मैं चाहूंगा ये देखिए बताऊंगा क्या निर्णय आता है देखते हुए। पूरा खरौनी को एक अंक और अभी स्कोर बोर्ड थोड़ा फ्रेश रखिए। मैं चाहूंगा स्कोर बोर्ड थोड़ा फ्रेश रखिए और ये देखिए स्कोर बोर्ड आप फ्रेश रखिए। किसी पर पानी ले लीजिए आप स्कोर बोर्ड में किसी पर प्रकार की कोई कमी नहीं करे। क्या परिणाम होता है।
क्या करोड़ संभाला था। आपका किरदार काफी भारी, काफी भारी आज नजर आ रही है इस कोर्ट में खरौनी टीम, गौड़ा टीम पे काफी भारी नजर आ रही है इस कोर्ट में खरौनी टीम। अब देखिए क्या होता है इस मैच का आखिरी स्कोर। अभी कौन खरौनी टीम का एक प्लेयर कौन कोर्ट में अपना कदमा दिखाते हुए, देखिए क्या करता है और ये एक प्लेयर आउट करके खरौनी के पास है। चीने के छुआ बहुत बढ़िया टायर टीम भैया का टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है खरौनी टीम में। गौड़ा के कोर्ट में होने के टायर में स्कोर बोर्ड में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों, मैं बता दूं रेफरी और स्कोर बोर्ड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो भी खेल हो निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए। रेफरी लोग कृपया आप अपना माइंड परसेंट ऑफ माइंड कोर्ट में रखे और ये जो जितने भी कमेटी के सक्रिय सदस्य हैं और मैं बता दूं कि अभी डाटा है खरौनी टीम का 14 पॉइंट, खरौनी टीम अभी 14 पॉइंट के साथ खेल रही है और ये सनी जी अभी कोर्ट में, सनी जी अभी कोर्ट में है, ये कहते हैं खरौनी टीम का देखेंगे क्या क्या प्रदर्शन होता है। अभी काफी अच्छा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया, बहुत कि खरौनी टीम के जितने भी प्लेयर हैं इनके आपस में इतनी अच्छी तालमेल है ये किसी भी रेडर को माफ नहीं करते। खूब तालमेल कही जाए की अभी देखिए फिर पूरी हालत में चल रही है कावड़ापुर की और ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ये प्लेयर। मेरे ख्याल से खरौनी टीम के लगा झटका और एक प्लेयर आउट, खरौनी टीम का एक प्लेयर आउट। अभी मैं संख्या में बता दूं कि 7 प्लेयर में 6 प्लेयर कोर्ट में है खरौनी के खरौनी पर देखिए क्या होता है और उन्होंने अपना सेवर लाइन टॉप किया है और अभी सेफ है, देखिए क्या होता है रिजल्ट अभी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी ताल में शायद आगे की मैचों में हमें देखने और खरौनी का तो बहुत अच्छी टाइम में चल रही है। मैं गौर करूंगा रेफरी साहब, आप कीजिए गौर कीजिएगा बेस्ट प्लेयर और टूर्नामेंट पे, रेफरी साहब आप गौर कीजिएगा बेस्ट प्लेयर और टूर्नामेंट और रेस देखिए क्या ये देखिए रिजल्ट आने से क्या आप नो डिस्टर्ब दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिली थी, आप लोग रेफरी से बातचीत न करो, एक एक टिंकू और उपेंद्र भैया आप लोग एक्स्ट्रा रेफरी के रूप में काम करें दोनों किनारे, मेन रेफरी के रूप में राहुल जी और अमित अमरजीत जी। देखिए ये रेडर आया है खरौनी टीम का, इनका क्या रिजल्ट होता है खरौनी टीम का रेडर। अरे अभी गौरा की हालत काफी 18-6 का अभी खेल यानी खरौनी टीम स्कोरमेंट पर काफी ऊंची उड़ान ले चुकी है और ये क्या होता है गौरा टीम का ये प्लेयर और गौरा टीम का एक प्लेयर में खरौनी के प्लेयर का डिफेंस पर मार नहीं रहा। ठीक बा मैं चाहूंगा तो ध्यान करें कि जो सिस्टम है जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी फॉलो कीजिएगा, आप लोग मेहमानों को समझिएगा। तो ये अगला रेडर आया अगला खरौनी के टीम से और अभी सेवर लाइन टच नहीं किया, सेवर लाइन टच करते और ये सनी जी रेड के लिए इनका त्याग करते और देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है और ये जाते हैं रेड करने के लिए तो एक विकेट खा ही जाते हैं, ये मतलब ये कहिए राहुल सिंह जी एक्सप्रेस की तरह काम करते हैं। और 27 का स्कोर खरौनी बनाम कौड़ा, 27 का स्कोर खरौनी बनाम कौड़ा, स्कोर बोर्ड पर कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा
और अमेरिका में थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई